महेश्वर दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर कैसे संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको चुनौतियां और दबाव देखने के लिए मिलेगा और कहां पर आपको विशेष उपलब्धि और सफलता देखने के लिए मिलने वाली है, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे इन शुरुआती 15 दिनों में कैरियर और व्यापारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता आपको देखने के लिए मिल सकती है। वर्तमान समय में बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रतिकूलताएं चल रही है और नकारात्मक स्थितियां बनी हुई है, तो कुछ विशेष सावधानी और कुछ विशेष उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और सफलता भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रही गोचरी स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं शुक्र, जो आपके 6 तारीख तक यानी 6 अगस्त तक आपके धन भाव पर गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात आपके पराक्रम भाव पर अगस्त के इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। अगस्त की शुरुआत में सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके धन भाव पर बना हुआ रहेगा और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी आपके धन भाव पर बना हुआ रहने वाला है। इन 15 दिनों में शनि आपके कर्म भाव पर वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं, मंगल आपके चतुर्थ भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, राहु और बृहस्पति आपके राशि के द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं, केतुदेव आपके राशि के रोग भाव पर गोचर करने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है और इन 15 दिनों में माइनर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए कैसे संभावनाओं का निर्माण इस समयावधि में आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके राशि के दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो आपके राशि के दशम भाव पर प्रभावी होकर शस नाम का राजयोग बना रहे हैं और आपके राशि के दशम भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देने वाला है। यदि आप जीवन में उत्साहित होकर मेहनत करते हैं और किसी भी क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, कर्म क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, उसमें यदि आप प्रसन्नता और सकारात्मकता बनाकर चलते हैं तो विशेष बदलाव और सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी। शनि कर्म भाव पर वक्री हैं, तो देखिए करियर के मामले में कर्म क्षेत्र में आपको दबाव जरूर मिलेगा, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंध को भी आपको बेहतर बनाकर चलना होगा और कर्म क्षेत्र में यदि आप कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं उस पर भी आपको विशेष सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता इन 15 दिनों में रहने वाली है। 12वें भाव पर राहु और बृहस्पति की मौजूदगी है, तो व्यापार से आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावना भी बन सकती है। अगर आपके लिए धन के मामले में जानकारी दिया जाए,
वृषभ राशि के जातकों, आपके धन भाव पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण इन 15 दिनों की समयावधि में होने वाला है और आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति व्यय भाव पर इस 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। आर्थिक मामलों में यह 15 दिन आपके जीवन में नवीन अवसर और धन कमाने का बेहद सुनहरा मौका दे सकता है। शुक्र और बुध की धन भाव पर मौजूदगी कई क्षेत्रों से धन लाभ की संभावना को निर्मित कर रही है। यदि आप इस समयावधि में कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें अच्छा मुनाफा करने में सफल रहेंगे। इस समयावधि में यदि आप कर्म क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं वेतन वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में रुके हुए धन के प्राप्त होने की या आपने कहीं पर यदि कर्ज दिया हुआ है और धन आपका फंसा हुआ है उसके मिलने की विशेष संभावना आपको देखने के लिए मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, इन 15 दिनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला रहने वाला है। द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है और चतुर्थ भाव पर मंगल की मौजूदगी बनी हुई है। पारिवारिक जीवन में दबाव बढ़ने की विशेष संभावना दिखाई देगी। कुटुंबीजनों के बीच में व्यर्थ के वैचारिक मतभेद निर्मित होते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को इन 15 दिनों में समन्वय बैठाकर पारिवारिक जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के साथ, कुटुंबीजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें। किसी प्रकार का क्रोध पूर्वक स्थिति निर्मित करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। शिक्षा के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी काफी बेहतर स्थितियों में रहने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में एकाग्रता बढ़ेगी। यदि आप किसी भी क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। कई बार प्रयास करने के बावजूद यदि आपके विद्यार्थी पक्ष में परिणाम आपको नकारात्मक मिल रहा है उससे आपको निकलने में राहत देखने के लिए मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव आपका काफी प्रभावी और काफी बली बना हुआ है। किसी प्रकार की समस्या आपको इस समयावधि में प्रेम संबंधों में नहीं देखने के लिए मिलेगी। जातक उत्साहित होकर चलते हुए नजर आएंगे। प्रेमी के साथ आपके सब कीमती पल बिताने में आप पूर्ण रूप से समर्थ रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, जो राशि के चतुर्थ भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और इस समयावधि में राशि के स्वामी सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, धैर्य रखने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। इन 15 दिनों की समयावधि में सूझबूझ के से आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैचारिक मतभेद विशेष रूप से होने की संभावना देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि वृषभ राशि वाले जातकों के संतान की प्रगति और उन्नति होने की विशेष संभावना इन दिनों में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के छठवें भाव से सेहत के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। सेहत के मामले में समय आपके लिए काफी मिला जुला रहने वाला है, सामान्य रहने वाला है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को गंभीर किसी प्रकार से समस्या दिखाई नहीं देगी। 12वें भाव पर राहु और बृहस्पति की युति जरूर बनी हुई है। 15 तारीख तक सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव पर मौजूद हैं, तो यदि आप खान पान की आदत पर ध्यान रखते हैं, तला भुना भोज पदार्थ, शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से दूर रहते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए इस समयावधि में उपाय की जानकारी दिया जाए, उपाय को बताने से पूर्व वृषभ राशि वाले जातकों को
दो खास बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। किसी भी क्षेत्र में जुड़कर यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, सकारात्मकता, एकाग्रता और प्रसन्नता आपको लेकर ही चलना होगा। प्रसन्न चित्त होकर यदि आप कोई भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता की विशेष संभावना आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ के बातों में संलग्न होने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समय अवधि में शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो संभावना आपके लिए काफी बेहतर बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।